हाय फ्रेंड, आई एम सनी कपूर। दोस्तों, आज के ज़माने में अगर कोई फिल्म 100 करोड़ को टच कर देती है तो उसे हिट माना जाता है। 200 करोड़ को टच कर देती है तो सुपर हिट, 300 को टच कर देती है तो सुपर डुपर हिट। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता। पहले के ज़माने में जो फिल्म 25 हफ्ते चलती थी उसे हिट माना जाता था। 25 हफ्ते सिल्वर जुबली यानी 50 हफ्ते गोल्डन जुबली यानी कि सुपर हिट, 100 हफ्ते डायमंड जुबली यानी कि सुपर डुपर हिट। पहले का और आज का तरीका बहुत बदल गया, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने 100 करोड़ का बिजनेस भी किया और सिल्वर जुबली भी। तो आज मैं आपको उस फिल्म के बारे में बताऊंगा जो हिंदुस्तान की पहली पिक्चर है जिसने 100 करोड़ का बिजनेस किया। 10 दिसंबर 1982 में रिलीज हुई फिल्म विस्फोटक, जिसके हीरो थे मिथुन चक्रवर्ती और डायरेक्टर थे दीप कुमार। ये ऐसी फिल्म है जिसने 100 करोड़ का बिजनेस भी किया और सिल्वर भी किया। हालांकि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो क्रिटिक लोगों ने इस पिक्चर की बहुत बुराई की थी, तारीफ नहीं की थी, लेकिन बाद में ये बात साबित हो गई कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट है और 100 करोड़ का बिजनेस कर रही है। और इंडिया में ही नहीं, विदेश में भी ये फिल्म हिट रही। डिस्को डांसर की कमाई देखकर हर निर्माता निर्देशक ये चाहने लगा कि उसकी फिल्म भी 100 करोड़ तक पहुंच जाए। फिल्में बनाते गए, चलती गई, लेकिन कोई भी फिल्म 100 करोड़ तक पहुंचने का नाम ही नहीं ले रही थी। हजारों फिल्में बनी। फिर 1994 में यानी कि 12 साल बाद एक फिल्म रिलीज हुई अगस्त के महीने में, वो फिल्म 100 करोड़ तक पहुंच गई। उसने 100 करोड़ के क्लब को टच कर लिया। कौन सी थी वो फिल्म, क्या आप जानते हैं दोस्तों? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखें आपका फिल्मी ज्ञान कितना है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए, जानकारी पसंद आए, तो लाइक करिए, कमेंट करिए और हो सके तो शेयर भी करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय। आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं ना, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल के आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए नए वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। देखते रहिए सनी कपूर एंटरटेनमेंट।